माधवीनी नमस्कार नमस्कार नमस्कार. भिडे बहुत दिसत नाहीत नेहमी. मंडप की बात उनसे ही करता हूँ मैं. गणपत भाई, इस बार गणेशोत्सव की बात भिड़े भाई नहीं उनके पत्नी भिड़े बेन करेंगे. यस. वाह 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 वाह. मतलब गोकुलधाम के परमानेंट सेक्रेटरी भिड़े भाई की छुट्टी. अरे इस बार माधवीता ही सेक्रेटरी. अभिनंदन माधवीता ही अभिनंदन. क्या बोल रहे हैं आप गणपत भाव? गोकुलधाम सोसाइटी के एकमेव सेक्रेटरी भिड़े भाई ही है. और हमेशा वही रहेंगे. पर इस बार कहानी में थोड़ा ट्विस्ट है. गणेश महोत्सव की सारी तैयारियां इस बार गोकुलधाम महिला मंडल करने वाली है. इस बात के लिए भी अभिनंदन. थैंक यू थैंक यू. अच्छा गणपत भाई, पिछले साल आपने जो मंडप बनाया था ना उससे भी बढ़िया मंडप इस साल चाहिए. अच्छा गणपत भाई, लास्ट टाइम के बम्बू और कपड़े बहुत पुराने थे तो इस बार के अच्छे होने चाहिए. और हाँ, कपड़े बिल्कुल नए होने चाहिए. बराबर, प्लीज ध्यान रखना. हाँ हो जाएगा, बजट थोड़ा बढ़ जाएगा. पिछले साल 20,000 था, इस साल 22,000 हो जाएगा. और लाइटिंग का 5,000 एक्स्ट्रा. टोटल होगा 27,000. एक मिनट गणपत भाई, ये 27,000 बहुत ज्यादा है. कुछ कम कीजिए. देखिए घर की बात है. हाँ नहीं नहीं, कम नहीं होएगा. अरे गणपत भाई, पैसे कम करने पड़ेंगे आपको. ठीक है, कितना कम करूं? 17,000 कर दीजिए. अरे साड़ी की दुकान थोड़ी है, सीधा 40%-50% डिस्काउंट. अरे गणपत भाई, आप नसीब वाले हैं. अगर साड़ी की दुकान होती ना तो हम लोग सीधा 10,000 ही कहते. बराबर. ठीक है, मैं सिर्फ 1,000 रुपए कम कर सकता हूँ. गणपत भाई, 1,000 रुपए कम मत कीजिए. हम 1,000 रुपए बढ़ा देते हैं. 18,000 की. अरे अंजलि बहन, माना कि भावताल करना औरत लोग का स्वभाव है, लेकिन मंडप में भावताल नहीं होता. 25,000 रुपए फाइनल. 25? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं. गणपत भाव, आप इतने साल से हमारे गोकुलधाम सोसाइटी में मंडप लगा रहे, इतना कंसेशन तो बनता है. गणपत भाव प्लीज. गणपत भाई, अब आप हमारी गोकुलधाम सोसाइटी के सदस्य है, अपनी सोसाइटी समझिए तो 20,000 रखिए. बराबर है ना? अरे देखिए, आपको कपड़ा बाम्बू सब नया चाहिए, इतने में कैसे होएगा? अरे गणपत भाई, आप नया कपड़ा बाम्बू लगाएंगे तो उसे दूसरी जगह यूज करोगे कि नहीं? 20,000 में कुछ भी नहीं कमाऊंगा. गणपत भाई, मैं एक सच बात बताऊं, बुरा मत लगाना हा? मेरा भाई सुंदर वीरा अहमदाबाद में रहता है ना, उसका एक दोस्त है, उसको मंडप का ही बिजनेस है. और उसने क्या कहा पता है? कि हमें मंडप के बिजनेस में आधे से ज्यादा पैसा मिलता है. फोन पे बात कराऊं सुंदर वीरा से? बोला हाँ. अरे नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं है. 24,000 रुपए फाइनल. 24? देखिए गणपत भाव, 24,000 नहीं कुछ नहीं, 22,000 में फाइनल. ठीक है ना? आपका ना हमारा. हाँ गणपत भाई, आई तो डन. ठीक है, आप अभी से काम शुरू कर दो. ठीक है. माधवी, मंडप का फाइनल हो गया? कितने में हुआ? 22,000. 22,000? क्या गणपत भाऊ, महिला मंडल दिखी तो बेवकूफ बना दिया. पिछले साल आपने 20,000 रुपया चार्ज किया था, अगर एक साल में 500 रुपया इंक्रीमेंट पकड़ो तो 20,500 रुपए होते हैं. और लाइटिंग का कितना बोला आपने? 7,000 बोला होगा. नहीं, पिछले साल आपने 5,000 रुपया चार्ज किया था, अगर उसमें भी 500 रुपए इंक्रीमेंट पकड़ो तो 5,500 रुपए होते. मतलब कुल मिला के होते 26,000 रुपए. 26,000 रुपए से 1 रुपया ज्यादा नहीं मिलने वाला आपको. गलती हो गई भिड़े भाऊ. मंडप की बात आपसे ही करनी चाहिए थी. अरे महिला मंडल बोली नहीं है, भावताल में चैंपियन है. 22,000 में मंडप और लाइटिंग दोनों फाइनल करा लिए मुझसे. पन नवा कपड़ा ने बैंबू नी साथे. वाह 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 वाह, महिला मंडल क्या आयोजन की शुरुआत की है आपने. तो पहली बॉल पे सीधा छक्का. यस. बस अभी ये फिक्स रहा कि हर साल भावताल महिला मंडल ही करेंगी. लागली वाट. सैल्यूट है आपको.
थैंक यू भिड़े भाई, पर अगर सलूट करना है तो गोकुल धाम गणेश उत्सव कमेटी की एकमेव अध्यक्षा मिसेस माधवी आत्माराम भिड़े का कीजिए। क्या बात है माधवी, शाबाश। वैसे आपने इस बार गणेश उत्सव में कोई थीम तो सोची होगी? नहीं हाँ, सोचिए ना। क्या क्या थीम क्या है वो हम लोग आपको अभी नहीं बता सकते। जी हाँ, और हमने ऐसी थीम सोची है कि आप सब लोग देखते रह जाओगे। मेरे भाई, इस बार गणपति बाप्पा की सवारी देखने लायक होगी, क्योंकि पूरी गोकुल धाम सोसाइटी की महिला मंडल गणपति बाप्पा को लेकर आने वाली है। हाँ, और आप सब पुरुष मंडली गोकुल धाम सोसाइटी में गणपति बाप्पा का स्वागत करने के लिए तैयार रहेंगे। वाह वाह वाह, मतलब इस बार गणेश उत्सव एकदम जोरदार होने वाला है। इस बार महिला मंडल गणपति बाबा की सवारी लेके आएंगी, और थीम भी आपने जबरदस्त सोची है। क्या बात है, वैसे क्या कहा आपने थीम के बारे में? भेड़े भाई, आप कितनी भी बार पूछो, लेकिन थीम क्या है ये हम आपको नहीं बताएंगे। राइट, डोंट वरी भेड़े भाई, इट्स गोना बी ब्यूटीफुल एंड यूनिक। अनि गणपत भाऊ, इस बार का अपना गणेश उत्सव का क्या थीम है वो सीक्रेट रखना है, किसी भी जेंट्स को नहीं बताना है। और गणपत भाई, अगर किसी को पता चले ना तो आपको पैसे अगले साल मिलेंगे। अरे नहीं नहीं नहीं, नहीं पता चलेगा। अरे आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं मंडप के बाहर बोर्ड लगा दूंगा, जेंट्स नॉट अलाउड। चला ये तो मैं। चलो अभी भी बहुत काम है। अरे लेकिन क्या जबरदस्त थीम होगी। देखा, हर साल टप्पू सेना गणेश उत्सव आयोजित करती है, हमें एंट्री नहीं होती क्योंकि सरप्राइज होता है। अभी इस बार महिला मंडल आयोजित कर रही है, फिर भी लिखा हुआ है जेंट्स नॉट अलाउड। सही बात है, लेकिन भेड़े मास्टर तुम टेंशन मत लो, डेकोरेशन अच्छा ही होगा। नहीं, मैं टेंशन नहीं ले रहा हूँ भाई, मतलब एक उत्सुकता होती है ना कि क्या होगा भाई डेकोरेशन। मैंने माधवी को बहुत पूछा कि बताओ तो सही क्या है, लेकिन उसने नहीं बताया। आपको बताया? मैंने माधवी भाभी से पूछा ही नहीं। अरे माधवी की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कुबरा भाई की बात कर रहा हूँ। नहीं नहीं, उसने भी कुछ नहीं बताया। मोरिया रे बापा, मोरिया रे ओ बापा, मोरिया रे ओ बापा, मोरिया रे। तो सब ये लेडीज लोगों का गणपति आयोजन तो जबरदस्त चल रहा है। सब मिलके क्या काम कर रही है भाई, हमसे ज्यादा बिजी हो गई है। सही बात, मैं जब भी कोमल को बोलता था कि नाश्ता बना के खिलाओ, वो फटाफट बना के खिला देती थी। आज नाश्ता मांगा तो फ्रूट्स दे दिए। आत्माराम, कल गणपति बापा को कितने बजे लेने जाना है ये जयडलाल को अभी बता दो, नहीं तो क्या इनकी वजह से हम सब लोगों को लेट हो जाएगा। नहीं नहीं अय्यर, उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि महिला मंडल ने कहा है कि गणपति बापा की मूर्ति लेने के लिए सिर्फ वो जाने वाली है, और हम सबको यहाँ पे सोसाइटी में खड़े रहना है गणपति बापा का स्वागत करने के लिए। ओ बढ़िया जी बढ़िया, अपने गोकुल धाम के जो महिला मंडल गणपति बापा को लेके आएंगे, हम लोग धमाकेदार उनका स्वागत करेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वैसे भीड़े, कुछ पता चला ये लेडीज लोग क्या स्पेशल डेकोरेशन करने वाले? नहीं ना जेठालाल, अरे मैंने बहुत कोशिश की माधवी को पूछने की थोड़ा स्टाइल से कि क्या डेकोरेशन है पता चले, लेकिन बिल्कुल नहीं। क्या डेकोरेशन है, क्या थीम है, सब सरप्राइज है। हाँ, और बबीता भी कह रहा था कि इस बार उन्होंने बहुत जबरदस्त थीम रखा है। तो क्या? वही मालूम नहीं। क्या कोमल भी थीम के बारे में बहुत तारीफ कर रही थी, लेकिन थीम क्या कुछ बताया नहीं। तो चलो एक काम करते हैं ना, अंदर जाके देख लेते हैं ना। चल। तो भाई साहब, जरा बोर्ड देख लो क्या लिखा हुआ है, जेंट्स नॉट अलाउड। ठीक है ना, अभी यहाँ कोई लेडीज है नहीं, कोई देख भी नहीं रहा है, किसी को पता नहीं चलेगा, चुपके से जाके देख के आते। चलो चलो। एक मिनट जेठालाल, मैं किसी को अंदर नहीं जाने दूंगा। ये भाई, तुम किसकी टीम में हो, जेंट्स की टीम में कि लेडीज की टीम में? मैं ना जेंट्स की टीम में हूँ ना लेडीज की टीम में। क्या हो? तो? मैं सत्य की टीम में हूँ। सत्य नहीं, सत्य ट्रुथ। तो ठीक है, तुमको नहीं आना है तो तुम यहाँ खड़े रहो, हम तो जाएंगे भाई। चलो एक मिनट जनरल,
मैं क्या बोलता हूँ, कल जब गणपति बप्पा सोसाइटी में आएंगे तो तब हम लोग ये थीम दे के लेंगे ना। फिर ये महिला मंडल ने जो बोर्ड लगाया जेंट्स नॉट अलाउड, तो वी शुड रिस्पेक्ट दैट। बिल्कुल। देखो ना, आपको भी नहीं आना तो कोई बात नहीं, आप भी खड़े हो जाओ ना पोपटलाल के बाजू में। भाई देखो, जो हिम्मत वाले है वो देखने जाएंगे, जो डरपोक है वो यहाँ खड़े रहेंगे। हा? चलो भाई चलो। किसे ढूंढ रहे? गए सब। क्या कर रहा था? कौन मैं? और कौन है यहाँ? आप भी है ना? ये नहीं नहीं मैं कुछ नहीं कर रहा था। कुछ नहीं, मैं खाली अंदर देखने जा रहा था कि सब डेकोरेशन का काम बराबर हो गया है कि नहीं। यहाँ बोर्ड पे अंग्रेजी में लिखा है ना कि मर्दों को अंदर जाना मना है, पता है ना तुझे? नहीं नहीं बराबर पता है बापू जी, वो तो खाली मदद करने की भावना से अंदर जा रहा था कि मान लो अगर कुछ काम बाकी रह गया हो तो मैं कुछ मदद कर सकता हूँ, ऐसे और कुछ नहीं। चल चल अवे मदद वाली, सब जानता हूँ मैं। अरे कल सुबह गणपति बापा के आते ही सबको देखने मिलने ही वाला है ना कि अंदर क्या डेकोरेशन हुआ है, फिर तुझे क्या इतनी जल्दी? खुद के मैं चला, मुझे क्या, मुझे खुद देखना नहीं है। अरे जेठा ब्रा, अपने गोकुल धाम की महिला मंडल गणपति बाप्पा की सवारी लेके आ गई। क्या शानदार सवारी है भाई, रोनका लग रही है रोनका। यही नहीं, वहाँ जो लेडीज है ना, बहुत सारी लेडीज और ढोल बजा रही है जबरदस्त। गणपति बाप्पा, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एक मेंबर सेक्रेटरी, पूरी सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। बोला गणपति बाप्पा। वारिया पुढच्या वर्षी। क्या बोल रहा है बागा, पुढच्या वर्षी लवकरिया मतलब अगले बरस तू जल्दी आ। गणपति बापा की विदाई के वक्त बोलते हैं। सॉरी मेहता साहब, सॉरी सेठ जी, वो जरा गलती से निकल गए। गलती से मिस्टेक हो गई। भाई तो जरा बावरी से दूर रह कर, और बावरी तू भी जरा इसको बख्श दे। बोला गणपति बापा।
गणपति बाप्पा महिला मंडल, जिस तरीके से आप लोग बप्पा की सवारी पालकी में लेके आए, भाई मजा आ गया, क्या बात। और आप लोगों का बैंड तो कमाल का है भाई, जिस तरीके से आप लोगों ने यहाँ बैंड बजाया, परफॉर्म किया, जितनी प्रशंसा की जाए कम, शब्द नहीं है हमारे। हम लोग तो ये ढोल उठा भी नहीं सकते, आपके लिए तो जबरदस्त था, क्या बात, बहुत बढ़िया। चलो भाई, चलो। टप्पू के पापा रुकिए, कोई भी जेंटस अंदर नहीं आ सकते। Exactly, gents not allowed. Yes. Allowed. अरे ये क्या बात हुई, gents not allowed? हम लोग भगवान के दर्शन भी नहीं कर सकते, तो discrimination है भाई। ये तो सही बात नहीं है भाई, अब तो कोर्ट ने भी कहा है कि धार्मिक जगह पे स्त्री पुरुष में भेदभाव नहीं होना चाहिए। हाँ। लगता है अब भगवान के दर्शन के लिए पुरुषों के हक में हमें आंदोलन करना पड़ेगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है। अरे, अरे, अरे? मैं आप लोगों के साथ हूँ। एक मिनट आप लोग बात कहाँ से कहाँ ले जा रहे हैं? अभी आपको सिर्फ थोड़ी देर के लिए अंदर नहीं आना है। थोड़ी धीरज रखिए प्लीज। तो बराबर, एक बार हम लोग गणपति बप्पा को उनके स्थान पर विराजमान कर देना, फिर आप लोग चौकस उनके दर्शन करने आ सकते हैं। Yes, no भेदभाव। ओ रोशन डार्लिंग, आ गला। ओ ठीक है, तुम कहते हो तो हम लोग रुक जाते हैं, और सोनिया तेरे लिए तो कुछ भी। हाँ। ये बात। ए एक मिनट छोटी, लेकिन अभी क्यों नहीं? लो। यार, थोड़ी धीरज रख भाई, थोड़ी शांति रखो हैं, शांति से खड़े रहो। मैंने लगता है इन लोगों ने डेकोरेशन बहुत जबरदस्त किया। हाँ, क्या होगा डेकोरेशन? अरे बहुत जबरदस्त डेकोरेशन है यार भाई। लाल, तुमको क्या था मालूम? तुमने देखा? अरे मैंने क्या, हम सब ने देखा नहीं? हाँ, अरे बहुत बढ़िया। बिल्कुल बिल्कुल देखा, हमने भी देखा, भी देखा। अरे सब ने डेकोरेशन देखा तो फिर मैं कैसे रह गया? अरे यार भाई, जेठालाल मजाक कर रहा भाई, किसी ने नहीं देखा। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। गोकुलधाम महिला मंडल पहली बार गोकुलधाम में गणेशोत्सव का आयोजन कर रहे हैं, और बड़े ही शानदार ढंग से पालकी में गणपति बप्पा की सवारी का आगमन हो चुका है। गणपति बप्पा के आगमन से गोकुलधाम में खुशियों का सागर लहरा उठा, और जिस अंदाज से गणपति बप्पा की सवारी लेके आई है महिलाएं, उससे लगता है कि मंडप में भी उन्होंने शानदार डेकोरेशन किया होगा। ये डेकोरेशन ऐसा होगा जो दुनिया से अलग होगा, मन को लुभाने वाला होगा और अद्भुत होगा। भाई हमारे लिए तो सस्पेंस है, उसमें क्या आएगी हम अभी नहीं जान सकते, लेकिन आपके लिए इतना मैं जरूर बता सकता हूँ कि कल जब आप इस डेकोरेशन को देखेंगे, आपके मुंह से निकलेगा अद्भुत, सिर्फ अद्भुत, कमाल का होगा ये डेकोरेशन। लेकिन क्या होगा ये जानने के लिए आपको देखना होगा कल रात 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा। हाँ, जब आप देखेंगे तो आपके मुंह से निकलेगा अद्भुत। कल रात 8:30 बजे गणपति के इस मंडप में स्वागत है आपका। देखते रहिए, हंसते रहिए। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.